हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन इन यूके वर्सेस जापान। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? एक इंडस्ट्री में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं लाइक एम्प्लॉयर, वर्कर और गवर्नमेंट, इनमें जो रिलेशन होता है उसे बोला जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। जैसा कि एक फैमिली को सही से चलाने के लिए सभी फैमिली मेम्बर्स में रिलेशन अच्छा होना चाहिए, सेम उसी तरीके से इंडस्ट्री को भी सही से चलाने के लिए उनमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनमें रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो जो पॉलिसीज़ और रूल्स इन पार्टीज़ में रिलेशनशिप को मैनेज या गवर्न करती हैं वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंडर ही आती हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। बहुत से कल्चरल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण यूके और जापान में इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो है वो अलग अलग है, जिन्हें अब हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम यूके में पहले आया था एज कम्पेयर टू जापान। माना जाता है कि ट्रेड यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसी प्रैक्टिसेस यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से ही स्टार्ट हो चुकी थी, जबकि जापान में जो सारी लेबर मूवमेंट्स हैं वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद देखने को मिली। नेक्स्ट इज लीगल फ्रेमवर्क। यूके की जो लेबर मार्केट है वो हाईली रेगुलेटेड है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉज बनाए गए हैं। वेजेस के रिगार्डिंग, वर्कर्स को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग एंड ऑल। लेकिन दूसरी तरफ जापान में जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं वो नहीं हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स खुद ही आपस में नेगोशिएट करके एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। यूके में कलेक्टिव बार्गेनिंग एक इम्पोर्टेंट फीचर है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का, जिसमें ट्रेड यूनियन वर्कर्स के बिहाफ पर एम्प्लॉयर्स के साथ नेगोशिएट करती हैं, जबकि जापान में कलेक्टिव बार्गेनिंग ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इसमें वर्कर्स इंडिविजुअली ही अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क कल्चर। जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि यूके में कलेक्टिवली ट्रेड यूनियंस के थ्रू एग्रीमेंट किया जाता है और लेकिन जापान में इंडिविजुअली। लेकिन अब जो ये वर्क कल्चर है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। यूके में इंडिविजुअलिस्टिक वर्क कल्चर है जिसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जापान में कलेक्टिव वर्क कल्चर है जिसमें वर्कर्स ग्रुप में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके काम करते हैं। लास्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यूके में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स स्ट्राइक्स या अदर डायरेक्ट एक्शंस के थ्रू ही सॉल्व किए जाते हैं, जबकि जापान में स्ट्राइक्स और डायरेक्ट एक्शंस को एज अ लास्ट रिसोर्ट रखा जाता है। पहले खुद ही वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स आपस में नेगोशिएट करके या कॉम्प्रोमाइज करके डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।